मैं मोनिका स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं चना दाल के बहुत ही स्वादिष्ट पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन बनाने में बहुत ही इजी हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इनको बना लेते हैं। पराठों के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा हमारा एकदम लचीला होना चाहिए। पराठे के लिए जो हम आटा बनाएंगे ये लचीला होना चाहिए, इससे हमारे पराठे फटते नहीं हैं। मैंने इससे पहले भी आपके साथ जो पराठों की रेसिपी शेयर की है, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, उसमें मैंने तरीका बताया है, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बताया है कि आप किस तरह से आटा बनाएं जिससे आपका आटा लचीला बनेगा और पराठे फटेंगे नहीं। तो आप वो देख सकते हैं, रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। तो हम आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूं और 2 छोटे चम्मच के करीब घी या रिफाइंड आप जो भी पराठे बनाने में यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। घी नमक को हमने अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगाएंगे। आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है हमने। अब हम इसको ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें आटा हमारा सेट हो जाएगा। इतनी देर में उतने हम स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो लिया है। आप रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। चने की दाल को हमने भिगो लिया है और ये देखिए अच्छी तरह से भीग चुकी है, ये फूल गई है खूब अच्छी तरह से। उसके बाद इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 3 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूं मैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये तीखी मिर्च है तो मैंने 3 ली है, आप चाहे तो कम कर सकते हैं या ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको भून लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पर हम जीरे को और मिर्च को भून लेते हैं। जीरा मिर्च हमारे भून गई है। अब हम इसमें ये जो दाल हमने धोकर रखी थी, भिगोकर धोकर, उसको डालेंगे। पानी हमने इसका बिल्कुल निकाल लेना है, पानी नहीं डालना है, सिर्फ दाल डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक। नमक हमने आटे में भी डाला है, इस चीज का ध्यान रखकर आप नमक डालें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सब चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। दाल में से पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया था, लेकिन फिर भी दाल के साथ थोड़ा सा पानी आ ही जाता है। ये देखिए हल्का सा गीलापन इसमें दिखेगा आपको। तो इसमें ही हमें दाल को भूनना है। हम दाल को अब ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इस समय मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। दाल हमारी इसी में गल जाएगी। भुनी हुई दाल का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं गलाना है। हम इसको पानी ज्यादा डालकर पकाएंगे नहीं या कुकर में इसकी सीटी नहीं लगाएंगे। दाल को हमें बहुत नहीं गलाना है, इसी तरह से गलाएंगे। तो 3-4 मिनट के लिए आप इस तरह से ढककर इसे पका लें। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें जिससे दाल नीचे ना लगे। 3 से 4 मिनट के लिए दाल को हमने पका लिया है। ये देखिए पानी अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जो हल्का सा गीलापन था वो बिल्कुल भी नहीं है और दाल हमारी भुननी शुरू हो गई है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से भूनेंगे। हमें इसे भूनकर ही पकाना है, हमें इसे बिल्कुल गलाना नहीं है। भुनी हुई दाल का पराठा बनाकर देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है। आप बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे, आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिए पराठा। इसमें हमने बहुत ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस पराठे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इस तरह से आप सिर्फ पराठा ही नहीं, दाल पूरी या दाल कचौरी भी बना सकते हैं। सेम तरह से आप स्टफिंग बनाकर और उसकी कचौरी बना लें, दाल पूरी बना लें, बहुत ही टेस्टी लगती है। दाल को हमने 2-3 मिनट के लिए और भून लिया है, मीडियम फ्लेम पर भूना है। आप देखिए इसमें से चटकने की आवाज आ रही है। दाल हमारी भुन रही है, अच्छी तरह से भुन गई है दाल और पहले से ये थोड़ी सिकुड़ी हुई हो गई है। ये देखिए थोड़ी सिकुड़ गई है हमारी दाल, जैसे पहले भीगी हुई थी फूली फूली सी, अब वैसी नहीं है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और भुन गई है दाल।
आप इसको चखकर भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा कच्चापन लगे, वैसे तो इसमें से कच्चापन नहीं आएगा, ये भुना हुआ टेस्ट आएगा दाल में से, तो आप चखकर देख लें। अगर आपको कच्ची लगे तो आप थोड़ी देर के लिए से 1-2 मिनट के लिए और भून लें। दाल हमारी भुन चुकी है, गैस को अब हम कर देंगे बंद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप इसको जरूर डालिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है पराठे का। तो ये हमने डाल दिए हैं, गैस बंद करने के बाद डालने हैं हमें लहसुन, और अब इसको हम दाल से ढक देंगे, लहसुन को हम भूनेंगे नहीं ज्यादा, इससे इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है लहसुन की। इस तरह से आप दाल से ढक दें तो ये दाल के भाप में ही पक जाएगा लहसुन हमारा। अब हम इस दाल को ठंडा होने देंगे, दाल ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको पीस लेंगे। दाल को हमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, इसे हमें हल्का दरदरा रखना है, बहुत हल्का सा दरदरा, आप हाथ से टच करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हम इसको पीस लेते हैं, मिक्सी में डाल लेंगे। सारी दाल एक बार में नहीं पीस पाएगी, इसलिए मैं इसको 2 बार में पीसूंगी, पहले हम इसे पीस लेते हैं। दाल को हमने पीस लिया है, देखिए इस तरह का पीसना है, बहुत हल्का सा दरदरापन है इसमें, बहुत मोटा मोटा नहीं रखना है, बहुत बारीक भी नहीं करना है। हाथ में आप इस तरह से लेकर आप इसको देखेंगे तो आपको फील होगा उसका दरदरापन, बहुत हल्का दरदरा है इस तरह का। दाल हमने ये पीस ली है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और ये बाकी की दाल भी हम पीस कर तैयार कर लेते हैं। आटा हमारा तैयार हो गया है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, एक बार हम इसको अच्छी तरह से ऐसे दोबारा से मसल लेंगे। आटे को हमने फिर से मसल लिया है और आटा हमारा तैयार हो गया है, स्टफिंग भी हमारी तैयार है, अब हम इसके पराठे बनाते हैं। तो हम इसमें से लोई तोड़ेंगे, लोई आप थोड़ी सी बड़ी लें क्योंकि जो पराठा है इसका चना दाल का ये हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा बनेगा। वैसे भी स्टफिंग वाले जो पराठे होते हैं ये थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी लोई आप लें। इसमें सूखा आटा हाथ में लगाते हुए इस तरह से इसकी कटोरी बनाएं इस तरह से, और अब हम इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। दो चम्मच स्टफिंग मैं इसमें रख रही हूं और सावधानी से, क्योंकि ये सूखा मसाला है तो आपको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, इस तरह से हाथ से इसको दबाते हुए जिससे मसाला बाहर ना गिरे। आलू का मसाला या जो भी पिट्ठी हम बनाते हैं तो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, वो एकदम से बाहर नहीं गिरती, लेकिन क्योंकि ये सूखा मसाला है तो इसलिए इसको आपको थोड़ा सा सावधानी से इस तरह से हाथ से सेट कर लें इसको, और इस तरह से इकट्ठा करते हुए ऐसे इस तरह से कर लें। सूखा आटा लगाएंगे और स्टफ्ड पराठों की तरह हमेशा की तरह ही पहले हम इसको सेंटर से दबाएंगे इस तरह से। ऐसा करने से हमारी जो स्टफिंग है ये सारे पूरे पराठे में अच्छी तरह से फैल जाती है इस तरह से, और हल्का सा इसको हाथ से ही बड़ा करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेल लेते हैं, बहुत पतला नहीं बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलें, बहुत हल्के हाथ से आप इसको बेलें इस तरह से। पराठा हमने बेल लिया है और थोड़ा मोटा बेला है, ये देखिए थोड़ा सा मोटा बेला है इसको हमने, और पराठा हमारा बिल्कुल भी कहीं से भी फटा नहीं है, ना ही इसकी स्टफिंग बाहर आई है। स्टफिंग भी हमने इसमें 2 चम्मच डाली थी, उसके बावजूद भी ये फटा नहीं है। तो अगर आपका आटा अच्छी तरह से बना होगा तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका आटा आपका पराठा नहीं फटेगा। अब हम इसको साइड रख लेते हैं और ऐसे ही दूसरा पराठा भी हम अपना बेल लेते हैं। पराठे हमने बेलकर तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको सेक लेंगे। तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है और फ्लेम हमारी मीडियम है, अब हम आराम से इसमें पराठा डाल देंगे।
पराठा एक तरफ से हमारा सिक चुका है, अब इसको आराम से हम पलट लेंगे और इस साइड आप घी या रिफाइंड जो भी आप पराठे बनाने में यूज करते हैं वो लगा सकते हैं। अब इसको आराम से पलट लेंगे। देखिए कितना बढ़िया फूला है हमारा पराठा, बहुत ही बढ़िया फूल कर तैयार हुआ है। इस साइड भी हम घी लगा लेंगे और दोनों तरफ से उलट पलट कर हम इसको अच्छी तरह से सेक लेते हैं। पराठा हमारा बढ़िया तरह से सिक गया है, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के पराठे भी इसी तरह से सेक लेंगे। चना दाल के हमारे बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार हैं। मैंने इसको काट के रखा है एक पराठे को आपको दिखाने के लिए। दाल देखिए इसमें कितनी भरी हुई है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये पराठे। आप इसको दही चटनी अचार के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप इसको खीर या आलू दम के साथ खा के देखिएगा, इसका जो स्वाद है दोगुना हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आज की ये रेसिपी एक बार ट्राई करनी तो बनती है। और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा।